हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल एजुकेटिंग ऑल में। तो आज मैं एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन। ज़्यादातर इस जैसे जो सिमिलर क्वेश्चन इंग्लिश में ज़रूर पूछे जाते हैं और जिसमें टॉपिक्स हैं एंटोनियम, सिडोनियम और अप्रोप्रिएट वर्ड्स फिल करने पड़ते हैं स्पेस में। तो आप समझ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जाना आप। अगर आपकी तैयारी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं भी हुई है तो आप कोई बात है, इन क्वेश्चंस को ज़रूर करके जा सकते हैं। और बिलीव मानिए, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में तो कम से कम। और मैं और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोज़ निकालूंगा, अभी फ़िलहाल इंग्लिश में। तो ठीक है, सबसे पहले अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं। और मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देख पाएँ और मैं भी आगे वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। तो आप समझते, थोड़ा नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब भी करें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं रेगुलर वीडियोज लाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स फिल करने हैं आपको, जो ब्लैंक दिया हुआ है। जैसे आई डैश यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग। तो देखिए, फोर ऑप्शन हैं, लुक फॉरवर्ड टू, होप, एक्सपेक्ट, थिंक। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन में यही बताना चाहूँगा आपको, जैसे चार ऑप्शन देता है, वो चारों ऑप्शन नहीं होते जो आते हैं। जैसे इसमें जो आंसर है, इसमें है सी, सी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं एक्सपेक्ट है, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू का कोई सेंस नहीं है, होप नहीं है, थिंक आ सकता है, लेकिन एक्सपेक्ट इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ऐसे आपको चार में से दो ऑप्शन जरूर सेलेक्ट, दो ऑप्शन जरूर ऐसे मिलेंगे जो सिमिलर होंगे बिल्कुल, पर आप गैस नहीं कर पाएंगे कौन सा। इसलिए जिस बच्चे को अच्छे से वॉकैब की समझ होगी वही कर पाएगा, लेकिन मैं इन क्वेश्चन को जरूर लाया हूँ, जिनसे आपकी प्रैक्टिस होगी मैं सीरीज आगे भी लाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आई मेट जॉन यस्टरडे इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डैश हिम सिंस क्रिसमस। तो आप देखिए, ऑप्शन सॉ, हैव बीन, हैड सीन, हैव बीन सीन। ना तो हैव सीन आएगा ना ही हैव बीन सीन आएगा। हैड सीन या सॉ में से अब देखिए आप कौन सा आएगा, हैड सीन आएगा, क्योंकि ये तो पास्ट टेंस का है। और आपको ऐसे ही यही समझना पड़ता है, दो जो सिमिलर आएंगे इसकी मतलब, जिसको ग्रामर ग्रामेटिकल थोड़ी सी समझ होगी वो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ही डैश टू लिसन टू माई आर्गूमेंट्स एंड वॉकड अवे। अब देखिए, डिसलाइक कुछ नहीं आएगा, प्रिवेंटेड नहीं आएगा, रिफ्यूज आंसर है। एक बार को बच्चे डिनाइड भी सोचते लेकिन रिफ्यूज है। तो देखिए, द फ्लो ऑफ ब्लड वॉज सो डैश डेट द पेशेंट डाइट। एक्सटेंसिव इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं डी ऑप्शन, कुछ बच्चे और भी सोच रहे हैं एडिक्वेट वगैरह, लेकिन आप ऑप्शन को पुट करके देखिए, उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, उससे आपको पता चलेगा। जैसे अगला है, यू हैव नेवर डैश मी अबाउट योर एक्सपीरियंसेस इन अमेरिका। इसका ऑप्शन बी टोल्ड, एक्सप्लेन का कोई मीनिंग नहीं है, स्पोकन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। सैड भी अप्रोप्रिएट वर्ड, टोल्ड है अप्रोप्रिएट वर्ड, यू हैव नेवर टोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, आई ऑलवेज फेल्ट हंग्री एंड डैश आई हियर द डिनर बेल। तो देखिए, एज मच एज वेल एज सून एज क्लोज एज, आप देख सकते हैं एज सून एज, आई ऑलवेज फेल्ट हंग्री एज सून एज आई हियर द डिनर बेल। करेक्ट आंसर है एज सून एज, क्योंकि एज मच एज का कोई सेंस नहीं बनता, एज क्लोज एज का नहीं, एज वेल एज का भी नहीं है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ऑल दो दे टुक एवरी प्रिकॉशन दे कुड नॉट डैश द एक्सीडेंट। डिफर, अलाउ, अवॉइड, ब्लॉक। इसका अवॉइड, उन्होंने सारे प्रिकॉशन अपना लिए लेकिन जब भी वो एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं कर पाए। अलाउ का कोई वो नहीं है, ब्लॉक का मीनिंग नहीं है, डिफर भी नहीं है, अवॉइड ही है इसका करेक्ट आंसर। द एम्बिशियस नोबल मैन डैश टू मैरी द किंग्स डॉटर। द एम्बिशियस नोबल मैन डैश टू मैरी द किंग्स डॉटर एस्पायर्ड। द एम्बिशियस एस्पायर्ड टू मैरी द किंग्स डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिक्टेटर ऑफ डैट कंट्री वॉज ए मॉन्स्टर ऑफ विकेडनेस इनसेटिबल इन हिज डैश फॉर ब्लड एंड प्लंडर। नाइन्थ का डी इंटेंशन है, इंटेंशन इसका करेक्ट आंसर है। द डिक्टेटर ऑफ दैट कंट्री वॉज ए मॉन्स्टर ऑफ विकेडनेस इनसेटिबल इन हिज डैश इंटेंशन फॉर ब्लड एंड प्लंडर। यहाँ पर आपको यही समझना पड़ता, आइडिया का कोई मीनिंग नहीं है, विजन भी नहीं है, इंटेंशन उसकी इंटेंशन ऐसी थी। जैसे नेक्स्ट है, प्लीज डोंट गिव मी एनी मोर आई हैव हैड डैश फ्यू टू लिटिल लिटिल इनफ। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे
अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका आंसर इसका तो इनफ हो इनफ गया। अगला तो आप समझ सकते हैं इसमें पार्ट टू जो लिटिल कि हमारा एंटोनियम्स है, उसके बाद एंटोनियम्स हर बार जरूर अगला पूछे जाते हैं। एंटोनियम्स एंटोनियम्स हर बार इंडिया एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आप समझ ही लीजिए मिनिमम है, ज़्यादा भी यही का जाते हैं, सारे ज़्यादा एंटोनियम्स कम आते हैं। नहीं तो जैसे कि जरूर पहला पूछे क्वेश्चन जाते हैं। एंटोनियम का, माई फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास रूम वॉज फियास्को। फियास्को के नीचे अंडरलाइन है, तो अंडरलाइन वर्ड का आपको एंटोनियम लिखना है। तो आप समझ सकते हैं फियास्को का जो मतलब होता है वो होता है, आपको वाकई अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, थोड़ी सी एंटोनियम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं सिनोनिम्स, तो फिर भी इजी होते हैं। फियास्को का मतलब होता है अनसक्सेसफुल जाना, मतलब बहुत बर्बाद जाना, कुछ फ़ायदा नहीं होना। तो सक्सेस है इसका करेक्ट मीनिंग, आप समझ सकते हैं। जॉय नहीं है, फन नहीं है, डिज़ास्टर भी नहीं है इसका, इसका सक्सेस ओनली। क्योंकि अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन करते हैं आपके समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। इट वॉज इंडीड आर्डुअस टू क्रॉस स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क। तो आर्डियस का मीनिंग मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आर्डियस का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट, परीक्षा में। तो इट वॉज इंडीड आर्डुअस टू क्रॉस स्ट्रीट्स इन न्यूयॉर्क, यानी जो न्यूयॉर्क में स्ट्रीट्स क्रॉस करना होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसका सही ऑप्शन है एफर्टलेस, क्योंकि प्लीजेंट का कोई मीनिंग नहीं बैठता, इंटरेस्टिंग नहीं, रिस्की भी नहीं है, एफर्टलेस है इसका करेक्ट आंसर। आपको सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे, एक दो तो ऑप्शन जो आपको लगता है बिल्कुल नहीं हो सकते उन्हें एलिमिनेट करिए, फिर बाकियों को आप सेंटेंस में रख के देखिए, फिर बहुत इजीली हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक हिज ब्रदर ही इज अफेबल। तो अफेबल का मैं आपको यहाँ पे मीनिंग बताऊँ तो अफेबल मीन्स होता है सुशील, यानी कि बहुत अच्छा, उसका भाई बहुत अच्छा है, तो अपने भाई से हटके वो क्या इरिटेबल है, बहुत इरिटेबल ऑप्शन यहाँ बैठता है। क्योंकि लवेबल तो नहीं, क्योंकि जब उसका भाई अच्छा तो लवेबल क्या, गिलेबल भी नहीं, तो इसका है इरिटेबल। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करने, लवेबल हो ही नहीं सकता। आप और ऑप्शंस में देखिए जिनमें आपको लगता है, फिर उन्हें ऑप्शंस में पुट करके देखिए कौन, देखिए कौन सा करेक्ट बैठ रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड डिसाइडेडली प्रूव टू बी एन ऑस्पिशियस इवेंट इन हिज लाइफ। ऑस्पिशियस मीनिंग मैं आपको यहाँ बता दूँ होता है, यानी कि बहुत अच्छा वो रहा, बहुत अच्छा दिन हो, ऑस्पिशियस इवेंट है ये, जैसे किसी शादी हो कुछ हो। तो ओमिनस उसके उलट है, बहुत बेकार, मतलब ओमिनस बहुत बुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटनेस कॉरोबोरेटेड वर्ड।